नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा और निमाड़ी तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सिंपल सी रेसिपी, पोहे रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमने 150 ग्राम पोहे लिए हैं। तड़के के लिए राई, सौंफ, हल्दी, शक्कर, नमक, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्ची, बारीक कटा हरा धनिया। सबसे पहले हम पोहे 2 से 3 बार पानी डालेंगे। इसमें 2 से 3 बार पानी, साफ पानी डाल के निकाल देंगे। दोस्तों हमें पोहे का पानी पूरी तरह से नहीं निकालना है, इसमें थोड़ा पानी रहने देना है ताकि हमारे पोहे सॉफ्ट बने। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और चीनी ऐड करेंगे। और हल्दी डालेंगे। और मिला लेंगे। ये कढ़ाई हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इसमें तेल डालेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें राई डालेंगे और सौंफ डालेंगे। और अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और लगातार चलाएंगे। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भूनना है। पोहे खाने में बहुत टेस्टी रहते हैं। जब हमें भूख लगते लगे फटाफट बना के खा सकते हैं। ये देखिए हमारा तड़का रेडी है। अब हम इसमें पोहे ऐड करेंगे। ये हमारे पोहे बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, बहुत खिले खिले और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। दोस्तों हम इसे 2 से 3 मिनट मिला लेंगे इस तरह। अब हम हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब ऊपर से कटा बारीक प्याज डालेंगे। कटा बारीक हरा धनिया अब नींबू निचोड़ देंगे हम इसमें। और सेव से गार्निश करेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।